अगर आप भी अपने बागान में बैंगन की खेती करते हैं तो आपने देखा होगा कि बैंगन जैसे ही बड़े होते हैं उसमें फूल आने लगता है या फल आने लगता है, तो देखते हैं कि उसमें बैंगन के पौधे मरने लगते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे अपने घर में एकदम देसी तरीका से आसान और एकदम मुफ्त में ऑर्गेनिक दवा बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता और कविता के बागान में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही बैंगन बड़े होते हैं वो मरने लगते हैं, उसमें जैसे ही फूल आता है वो जड़ से बीमार होने लगते हैं और वो धीरे धीरे सूखने लगता है। तो आप ऐसा करें कि नीम का पत्ते तोड़ के ले आए, उसको एक गमला में लगभग 20 मिनट तक उबाल ले। जैसे आप देखिएगा कि इस पत्ती का कलर बदल जाएगा और पानी का भी कलर बदल जाएगा। फिर आप ऐसा करें कि इसको ठंडा होने के लिए एक घंटा छोड़ दें, और ये जो नीम का उबला हुआ पानी है तो आप इसे किसी और बर्तन में उठा के रख ले और इसे ठंडा होने दें। आपको जितना ज़रूरत के हिसाब से जितना पौधा है उतना एक्स्ट्रा पानी मिला ले, जितना भी पेड़ है आप इसमें एक एक मग ले के डाल दीजिए जड़ में। इसके जड़ों में जैसे पानी चला जाए इसके लिए आप पत्ता को थोड़ा साइड करके एक एक मग पानी डाल दें। और दोस्तों, आप देखिएगा जैसे ही ये पेड़ सूख रहे हैं और मर रहे हैं तो ये एकदम से मरना बंद हो जाएगा। इसको फिर से 7 दिन के बाद दोबारा फिर दे। जैसे कि आप देख रहे हैं आपका जो पेड़ धीरे धीरे मर रहा है या सूख रहा है वो धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो एक कमेंट जरूर कर दीजिए। खेती बाड़ी और बागवानी के रिलेटिव से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।